ईवीएम को वैध कले सुप्रीम कोर्ट, ईवीएम सटीकता नहीं सुप्रीम मोहर। कांग्रेस ईवीएम टैंपरिंग रो बारंबार अभियोग आने जीति राज्य जितेबले प्रसंग आसे सेतेबले चुप रहे कांग्रेस, उठाए ना ईवीएम टैंपरिंग प्रसंग। ईवीएम रो वीवीपैट स्लिप रो 100% जांच मामला खारज होई, खारज होई ईवीएम बदल रे बैलेट मतदान रो आवेदन। ईवीएम द्वारा ही भोट हेबो बोली स्पष्ट करिसंदि सुप्रीम कोर्ट। वोटिंग परे 45 दिन जाए वीवीपैट स्लिप सुरक्षित रखा। एहाकु नै विरोधी को टार्गेट करछन्ति प्रधानमंत्री मोदी। कहिसंदि भोट लुटेरा को मुहरे शक्त चापुड़ा लगी। वर्ष वर्ष धरी लोकों अधिकार छड़ाई नेउतुबा इंडिमेंटर संविधान और लोकतंत्र प्रति सम्मान नहीं। मत पेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। इंडी गठबंधन को ना देश के संविधान की परवाह है और ना ही लोकतंत्र की परवाह है। जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना, ना देश के संविधान की परवाह है और ना ही लोकतंत्र की परवाह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना। जस्टिस संजीव खाना एवं दीपंकर दत्तों एक खंडपीठ यही मामलें चूड़ांत राय प्रदान कर। निर्वाचन में बैलेट पेपर को फेरी चाहूबा समस्त आवेदन को प्रत्याख्यान कर। सुप्रीम कोर्ट दुईट निर्देशनामा जारी कर। प्रत्येक लोडिंग यूनिट धारण करथुवा पात्र उडीको मतदान एजेंट एवं प्रार्थी उपस्थित रे सील करा जिबा उचित एवं 45 दिन पर्यंत सुरक्षित रखा जिबो। कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट एवं वीवीपैट उत्पादन रो इंजीनियर मानक द्वारा जांच करा जिबो। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगे को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क, उस पर मार्क डाल दें जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूएंसी बाय कंस्टिट्यूएंसी करी जाती है उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है तो उसको देखा जा सके। ईवीएम व्यवस्था अत्यंत स्वच्छ थी बेले यहाँ राजनीति कर कांग्रेस और अन्य विरोधी दल। कांग्रेस विजयी राज्य तेलंगाना, कर्णाटक, हिमाचल प्रदेश में ईवीएम टैंपरिंग अभियोग को भित्तिहीन बोली कहिथिला दल। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।